वबरकातु। मैं अभी यहाँ चंचलगुड़ा जेल के पास हूँ। यहाँ पे मैं मोहम्मद इरफान खान हैदराबाद यूथ की तरफ से, यहाँ पर हम लोग हमारी टीम के साथ और हमारे जितने भी मीडिया के भाई लोग हैं सबके साथ यहाँ पर सलमान भाई और अयूब भाई से मुलाकात के लिए आए थे, लेकिन जो कोरोना वायरस का जो वबा चल रही है इस वजह से यहाँ पर 4 दिन के लिए ये लोग को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। उसके बाद ये लोग मुलाकात के लिए हम लोग को इजाज़त देंगे बोल के बता रहे थे। तो आप लोग सब लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ के लिए हमारा साथ देने के लिए सारे हैदराबाद की आवाम अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पर हमारा सपोर्ट कर रही है और लगी हुई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द सलमान भाई और अय्यूब भाई हम लोग के साथ रहेंगे। ये जो ये लोग को एक साजिश के तौर पर फंसा कर जिस तरह से जेल भेजा गया है, आप लोग सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं इससे कि इसके पीछे कैसे कैसे साजिशें की गई हैं। हम लोग अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद रखते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह बहुत जल्द ये लोग को हमारे बीच में इंशाल्लाह खड़ा करेगा। आप सब से दुआ की गुजारिश है कि ये लोग की रिहाई के लिए आप सब लोग दुआ करें और हम सब इंशाल्लाह ऐसे ही मिलकर हमेशा आवाम की खिदमत करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या प्रोसेसर चल रहा है अभी जी बेल के लिए? बेल के लिए हम लोग एक पिटीशन डाले थे, ये कैंसिल हो गई इंशाल्लाह, फिर दूसरी में इंशाल्लाह बहुत जल्द हाँ इंशाल्लाह वो कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग को बताएंगे क्या कार्रवाई आप लोगों का, ठीक है? आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग हैदराबाद की आवाम हम लोग को सपोर्ट कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और मीडिया वाले जितने हमारे सपोर्ट में खड़े हैं सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग आपके बीच में फिर आवाम की खिदमत के लिए खड़े रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो सलमान भाई का आखिरी स्टेटमेंट क्या था जो बाहर निकल रहे थे वो मिल गया हमें? Thank you.